करा जाए शुरू। अभी रिकॉर्डर का वो चेंज कर रहे हैं बैटरी। तैयार, रेडी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया बात हुई कि अभी ब्रेक में वंदना भाभी ने कुछ शेयरिंग की और मेरे को लगा कि वो सबके लिए बहुत उपयोगी होगी, तो सबके साथ शेयर हो जाए। ये इसके अर्थ में मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या होता है कि जैसे हम बाबा जी से सुनते थे ना एक टाइम पे, तो ऐसे लगता था ये तो महापुरुष हैं, ये तो कर लिया, हम कैसे होंगे। तो मेरे को लगता है कि आप लोग को ऐसा ही लगता होगा कि हम लोग तो 25 साल लगाए हैं, इतना समय लगाए हैं, इसलिए भैया में तो है, हम में कैसे आएगा, ऐसा प्रश्न बनता है ना। तो अब दीदी को, भाभी को सुनते हैं, उससे उत्साह बनेगा हमारा। बताइए। नहीं, अभी भैया से मैं वही बात कर रही थी कि अभी जो 6 दिन से मेरा ये शुरू हुआ है अध्ययन का, तो मेरा ये शायद मेरा पहला ही शिविर है जो मैंने, मतलब अगला 2 दिन तो मेरा छूटी गया था, तो 4 दिन में मुझे जो उपलब्धि हुई वो भैया के साथ में शेयर कर रही थी कि जो मेरा सुनने का वो एक था, वो मेरा सुनने वाला पार्ट तो पहले से मैंने तय करके रखा था कि मुझे सुनना है, तो ये तय करके ही मैं इधर बैठने के लिए आई थी कि मुझे ये पकड़ में आए ना आए वो समझ, वो मेरा मुद्दा नहीं है, पर मुझे सिर्फ सुनना है, उसी के आधार पे मुझे तो थोड़ा काम करना था। तो उसको सुनते सुनते मुझे थोड़ा पकड़ में भी आ गया। तो कल रात भी हमने सारी मतलब चर्चाएं की मूल्यों के हिसाब से, मतलब ये जो भी यहाँ कुछ भी बताया जा रहा था, तो एक अच्छा संवाद तो शुरू हो गया। और जो मानसिकता में मेरा थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है वो ये हुआ है कि विद्या के